कि इल्लत बुरी आदत को कहते हैं। ये बुरी आदत जहनी भी हो सकती है, ये जिस्मानी भी हो सकती है, रूहानी भी हो सकती है, और बुरी आदत के ऊपर बंदा डिपेंड करने लग जाता है, यानी कि वो उसकी ज़ात का हिस्सा हो जाता है, उसकी कैद में चला जाता है और बंदा उससे नहीं निकल सकता। मसलन शराबी शराब की इल्लत का शिकार होता है, जानी जना की इल्लत का शिकार होता है। इसी तरीके से कई दफ़ा हम कुछ ऐसी इल्लतें भी पाल लेते हैं कि मसलन कुछ कॉन्सेप्ट हम ऐसे अपना लेते हैं, उन कॉन्सेप्ट से हम बाहर निकलते हुए घबराते हैं। तो ये जो बात है, ये इल्लत ग़ुलामी और वहदानियत के ऊपर मैं बात करूँगा। तो ये बेसिकली जो है नज़म और नसर के दरमियान की चीज़ है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। इल्लत में जिल्लत है मगर नादान क्या समझे, ग़ुलामी में जो सुकून पाए और ना ही शर्माए, वो आज़ादी के नगमों को भला क्या समझे। ग़ुलाम सोच आज़ाद फैसलों की इजाज़त दे नहीं सकती, ग़ुलाम सोच आज़ाद फैसलों की इजाज़त दे नहीं सकती। समझ पर जिसकी मसलहत का पर्दा हो, वो ये राज क्या समझे। जिंदा वो जो इल्लत व ग़ुलामी से हो पाक, झूठे सहारे का मतलाशी जिंदगी की हकीकत क्या समझे। ऐ दोस्त सुन, जब हम गैर के सामने झुक जाते हैं तो ना सोच हमारी रहती है और ना ही ज़ात, मुर्दा दिल मगर मेरे नाले को क्या समझे। तौहीद तो गैर से गनी कर देती है, लेकिन खुद तराशे असनाम का पुजारी ये बात क्या समझे। वहदानियत की मैं देती है हक पे चलने का हौसला, जो वहदत ही ना समझ सके वो ये कानून क्या समझे। वो ये कानून क्या समझे। वो ये कानून क्या समझे।